नमस्कार, जय धनवंतरी। मैं डॉक्टर सुचित्रा, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि लो बीपी की समस्या में हमें किस तरह से उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह से हम उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, उस समस्या को दूर कर सकते हैं, और किस तरह का हमें रूटीन रखना चाहिए, कौन सी आदतें हैं वह हमारे डेली रूटीन में होनी चाहिए, और किस तरह का हमें खान पान रखना चाहिए। इसके अलावा कौन सी ऐसी औषधियां हैं जो हमें लो बीपी की समस्या को दूर करने में हमारी मदद कर सकती है, लो बीपी की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकती है। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। समय जो हमारा आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन चीजें हैं, उनको हमें सही रखना है, हमें प्रॉपर करना है। अगर हमारी ये तीन चीजें सही हो जाती है तो हमारी लो बीपी की समस्या भी ठीक हो जाती है, क्योंकि जो लो बीपी होने की जो रीजन्स आते हैं, जो कारण होते हैं, वो यहीं से निकल कर आते हैं। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम आहार में बात करें तो आहार है उसमें, जैसे नॉर्मली तो हम क्या है कि गाजर, सेब, बथुआ, मुनक्का, अंजीर, खजूर, और लिक्विड डाइट है, जूसेस, फ्रूट जूसेस हो गए, गन्ने का रस हो गया। डायबिटीज पेशेंट में तो गन्ने का रस नहीं देना, बाकी में गन्ने का रस दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम नॉर्मली इसमें ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक अष्टाहार विधि विशेष आयतन के अकॉर्डिंग अगर डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर में ना ही तो नए रोग आएंगे, और पहले से जो कुछ भी अशुद्धियां या कुछ भी जो दोष ऊपर नीचे हो गए हैं, वह भी साम्यावस्था में आ जाएंगे, हमारे एकदम जो सारी समस्याएं हैं वह सही हो जाएगी। तो अष्टाहार विधि विशेष आयतन में 8 चीजें बताई, मतलब कि जो नेचुरल जो क्वालिटी होती है, प्रिपरेशन होती है, कॉम्बिनेशन होती है, जो क्वांटिटी होती है खाने की, और जो हैबिटेट होता है, यूजर्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं खाने के, वो 8 चीजें इसमें आ जाती है। तो ये आप किसी वैद्य से कंसल्ट करके अपने लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान, डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको खाने में लिक्विड डाइट रखनी है, डायबिटिक पेशेंट है, तो आप उससे अकॉर्डिंग अपना जो परहेज है उनके अकॉर्डिंग अपनी डाइट में शामिल करें दूसरी चीजों को, कि और जूसेस के अलावा फ्रूट जूसेस, लस्सी वगैरह और कुछ चीजें आप ले सकते हैं, और डायरेक्ट फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं आप। दिन में पानी पीते रहे बार बार, नारियल पानी हुआ, ये पीना है डेली। आप ये आप रूल ही बना लीजिए कि डेली आपको, मतलब डेली आपको किसी न किसी जो फल है, फ्रूट है, उसका जूस या फिर वो डायरेक्ट रो आप भी कंज्यूम कर सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब लो बीपी होता है तो लो बीपी पेशेंट में क्या है कि हाइपोग्लाइसेमिक मिलते हैं, वो मतलब उनके ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। तो अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो आप अपने बीपी के साथ साथ अपनी शुगर भी चेक करिए या करवाइए। अगर शुगर लेवल कम आता है तो आपको तुरंत गन्ने का जूस या कुछ मीठा, गुड़, शक्कर वगैरह ऐसा कुछ आपको घोल के, नींबू पानी वगैरह कुछ आपको ले लेना है, कोई भी फ्रूट जूस भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा क्या कि अगर पेशेंट है वो डायबिटिक है, मतलब शुगर है किसी के, तो आप गन्ने के रस आदि को, इनको तो अवॉइड करें। फ्रूट जूस जैसे मौसमी वगैरह इनका आप ले सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, मौसमी का ले सकते हैं, और भी कई सारे जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनका जूस भी ले सकते हैं जो मीठे नहीं होते। आपको जब भी लो बीपी हो जाए, आपको फील होएगी कि लो बीपी हमारा हो रहा है या हो सकता है, तो आप खट्टा अचार आपको जीभ पे रख के चूसना है, और सीधे लेट जाएं, पांव को थोड़ा सा ऊपर उठा लें या दीवार के साथ में सटा के, उसको दीवार के पास में ऊपर सटा के रख लें और आप सीधे लेट जाएं, या फिर आप कुछ मतलब तकिया वगैरह पांव के नीचे लगा के लेट जाएं। तो और इसके अलावा कि आपको जो तल हृदय मर्म होता है, मतलब यहाँ पे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, ये तल हृदय मर्म बोलते हैं जिसको आयुर्वेद में और मर्म चिकित्सा भी होती है, तो ये पॉइंट होता है, ये आपको सेंटर में जो हथेली के ये पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, ये पॉइंट आपको दबाना है, तल हृदय मर्म। या फिर इसके अलावा आप दूसरा काम भी कर सकते हैं कि आप डेली 2 से 5 मिनट ताली बजाइए। अगर आप ताली बजाते हैं तो उससे आपके सारे पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, वह स्टिमुलेट होते हैं, तो उससे भी आपको बीपी की समस्या में बहुत ही आराम मिलेगा।